तो देख पाओ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रेडी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ डीसी मोटर के बारे में बताऊंगा कि कौन सी डीसी मोटर ज़्यादा आउटपुट देती है, और अगर आप एक डायनामो बनाना चाहते हैं या आप एक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको कौन सी मोटर यूज करनी चाहिए। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, मैं आपको सारी मोटर को चेक करके दिखाऊंगा कौन सी मोटर कितना आउटपुट दे सकती है, तो वीडियो को इसकी मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सारी मोटर के पीछे की साइड में वायर शॉर्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको चेक करके दिखा सकूँ कि इसमें कितना यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने सारी मोटर के पीछे की साइड में दो वायर शॉर्ट कर दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, देख पा रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ एक एक करके कौन सी मोटर कितना आउटपुट देती है। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट तक सेट करूँगा, क्योंकि 20 वोल्ट से कम यहाँ पे वोल्ट जाएगी तो 20 वोल्ट पे बताएगा, और 200 वोल्ट से यहाँ पे कम वोल्ट जाएगी तो वो 200 वोल्ट पे यहाँ पे बता देगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो छोटी वाली मोटर है इसमें आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका घुमाने पर इसका जो आर्मेचर है वो यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग दूसरी वाली मोटर से कर रहे हैं। ये मोटर आपको 5 रुपये की आसानी से मिल जाएगी किसी लोकल मार्केट में, और ये 3.7 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक वर्क करती है। तो मैंने यहाँ पे इसमें पेन की एक पुली लगा ली है ताकि हम इसे साइकिल से घुमा सकें। तो चलिए मैं इसके दोनों वायर को मल्टीमीटर की प्रॉप पे लगा देता हूँ और आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट कर लिया है। तो चलिए अब फाइनली चेक करके देखते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट में मिलता है। तो देख पाऊँ फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी स्टार्टिंग हम करें तो यहाँ पर 3 वोल्ट से ऊपर यहाँ पर करंट हो गया आउटपुट में, यहाँ पर ये 4 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट तक करंट यहाँ पर पहुँच चुका है। आप यहाँ पे मल्टीमीटर की तरफ देखिएगा, यहाँ पे आपको 3.7 वोल्ट से स्टार्टिंग यहाँ पे 5 वोल्ट से ऊपर चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे 6.5 वोल्ट तक करंट यहाँ पे पहुँच चुका है। तो आपने देखा यहाँ पे इस मोटर से आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 वोल्ट तक करंट ले सकते हैं, उसके बाद में ये करंट यहाँ पर छोड़ देगी ज़्यादा स्पीड में अगर आप घुमाएंगे। तो यहाँ पर इस मोटर से आप लास्ट 5 से 6 वोल्ट तक ले सकते हैं। चलिए दूसरी वाली मोटर को चेक करके देखते हैं। ये मोटर 12 वोल्ट तक वर्क करती है, तो इसके दोनों वायर में यहाँ पे मल्टीमीटर की दोनों प्रॉप पर मैंने सेट कर ली। चलिए इसे भी चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे वायर का कनेक्शन उल्टा हो गया, चलिए मैं दूसरी साइड से घुमा के आपको दिखा देता हूँ। तो देख पाऊँ फिर से यहाँ पे अभी स्टार्टिंग हम यहाँ पे 1 से 2 वोल्ट यहाँ पे आ रहे थे, अभी यहाँ पे 5, 10 यहाँ पे 12 के करीब वोल्ट यहाँ पे पहुँच चुके थे, यहाँ पे 15 वोल्ट तक भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस मोटर से आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 17 वोल्ट तक ले सकते हैं, उसके बाद में अगर आप इसे स्पीड से घुमाएंगे तो ये करंट यहाँ पर छोड़ देती है। तो इसका मतलब आप इसे इलेक्ट्रिक साइकिल में आप इसे यूज कर सकते हैं, इससे आप 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज भी कर सकते हैं। तो चलिए जो हमारी लास्ट वाली मोटर है जो कि सबसे पावरफुल है, इसे भी टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज आउटपुट में आता है। तो इसके भी मैंने दोनों वायर यहाँ पर सेट कर दिए हैं। तो इसमें फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर छोटी वाली पुली लगाई है, इसमें बड़ी पुली लगाएं तो ज़्यादा यहाँ पर राउंड बनेंगे। तो देख पाऊँगे यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ पर 16 से 17 वोल्ट से हो रही है, और यहाँ पर 21-22 वोल्ट तक यहाँ पर पहुँच रहा है करंट, 26-29 वोल्ट तक यहाँ पर पहुँच चुका है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ पे 30 वोल्ट तक इसमें आउटपुट में करंट आ रहा है, और नॉर्मल स्पीड में घुमाने पर अगर आप इसे यहाँ पे फास्ट स्पीड में घुमाएंगे और ज़्यादा स्पीड में तो ये 40 से 45 वोल्ट तक इजीली निकालते हैं। चलिए मैं आपको एक एलईडी चेक करके दिखा देता हूँ। ये 12 वोल्ट से चलने वाली एलईडी है जो कि आप इलेक्ट्रिक साइकिल में यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में इसकी सारी अनबॉक्सिंग की थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देख पाऊँ फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉर्मल घुमाने पर भी हमारी जो 12 वोल्ट की एलईडी है वो यहाँ पर इजीली जल पा रही है यहाँ पर इस मोटर से। तो इस मोटर को अगर आप इलेक्ट्रिक साइकिल में यूज करते हैं तो ये आपको सबसे बेस्ट रहेगी, और ये आपको मार्केट में 70 से 80 रुपए की आसानी से मिल जाएगी। इससे आप 12 वोल्ट की एलईडी को चार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें एक 7812 ट्रांजिस्टर लगानी पड़ेगी, वरना आपकी जो एलईडी है वो तुरंत ख़राब हो जाएगी। देख पाऊँगा ये जैसे यहाँ पर एलईडी ख़राब हो चुकी है इससे, क्योंकि ये 12 वोल्ट से चलती है, हमारी जो मोटर है वो नॉर्मल घुमाने पर भी 28 से 30 वोल्ट यहाँ पर ईजिली बना पा रही है नॉर्मल घुमाने पर। तो इन मोटर में से आपको कौन सी मोटर ज़्यादा बेस्ट लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।